अगर हम इसके फ्लावर को खोलकर देखें तो हम कैलेक्स मीन के सेपल्स का ग्रुप देखेंगे, वो 4 से 5 होंगी नंबर में, एक दूसरे से फ्री होंगी और एपिकैलेक्स कंडीशन इसमें मौजूद होगी। नेक्स्ट वन इज द कोरोला, 5 और मल्टीपल ऑफ 5। इसमें हमारे पास मतलब 5 हो सकती हैं पेटल्स या फिर मल्टीपल ऑफ 5 मीन के 10 या फिर 15 या फिर 20 25, यानी मल्टीपल ऑफ 5 इसमें पेटल्स पाई जाएंगी, वो इम्ब्रिकेट होंगी, मीन एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप करके पड़ी हुई होंगी। नेक्स्ट वन इज द स्टैमन, इनका जो स्टैमन होंगे वो नंबर ऑफ स्टैमन इनमें मौजूद होंगे, मीन के न्यूमरस फॉर्म में फ्री होंगे और वर्सटाइल होंगे। वर्सटाइल आपके पास स्टैमन के वो टाइप है जिसमें एंथर की बेस पर, एंथर की बैक साइड पर अटैच होता है, फिलामेंट में हैंग करते हुए नजर आते हैं, स्टैमन जो है वो हमें हैंग करता हुआ नजर आता है हवा में। नेक्स्ट वन इज द कार्पल, एक या फिर इससे ज्यादा कार्पल्स हो सकती हैं, इसमें एपो या फिर सिन कार्पस कंडीशन होगी, एपो कार्पस मीन के फ्री होंगी, सिन कार्पस मीन कि वो आपस में कंबाइंड हो सकती हैं, और इनके अंदर जो प्लेसेंटेशन होगी वो बेसल होगी, मीन जो व्यूल्स होंगे वो अटैच होंगे ऑन द बेस ऑफ ओवरी। फ्रूट इनके अंदर ड्रूप होगा या फिर पोम होगा, ये फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स हैं। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, मीन इसके अंदर फूड स्टोर हुई भी नहीं होगी। नाउ फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला अगर हम देखें तो ये वाला साइन हमने लगाया है, ये वाला साइन हमने लगाया है एक्टिनोमार्फिक के लिए। नेक्स्ट वन इज द हर्मेफ्रोडाइट, मीन बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। नेक्स्ट वन इज द कैलिक्स, 5 जो है वो सेपल्स मौजूद हैं और एपिकैलिक्स कंडीशन के लिए हमने ये ब्रैकेट्स लगाए हैं। नेक्स्ट वन इज द कोरोला, मीन 5 इसमें पेटल्स हैं, फ्री हैं। नेक्स्ट वन इज एंड्रोशियम, मीन नंबर ऑफ स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, दैट्स व्हाई इट इज इन्फिनिटी साइन। नेक्स्ट हमारे पास गाइनेशियम है, गाइनेशियम नंबर ऑफ इसमें कार्पल्स मौजूद होंगी। नाउ फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम को अगर हम देखें तो ये हमारे पास मदर एक्सिस है और ये वाली जो मोटी ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं दीज आर सेपल्स, और नेक्स्ट अंदर जो है दीज आर पेटल्स, और ये आप इम्ब्रिकेट कंडीशन में मौजूद है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप करके पड़ी हैं। नेक्स्ट ब्लैक कलर में क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, दीज आर स्टेमन्स, एंड ब्लैक कलर के जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं दीज आर नंबर ऑफ कार्पल्स। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अगर हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखें तो हमारे पास इसके मेनली जो जितने भी प्लांट्स हैं वो फ्रूट देते हैं, और वो जो फ्रूट हैं वो एडिबल फ्रूट के तौर पर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एप्पल है, पियर, आलमंड, पीच, एप्रिकॉट एंड स्ट्रॉबेरी, दीज ऑल फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज द मेंबर ऑफ दीज फैमिली रोजेसी। नेक्स्ट वन इज द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर ऑर्नामेंटल। फॉर एग्जाम्पल हम घर में या हमारे पार्क्स में उगे हुए होते हैं गुलाब के फूल, वो जो गुलाब का पौधा होता है वो इसी फैमिली रोजेसी से बिलोंग करता है। उसके अलावा अब गुलाब की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, काला गुलाब, पीला गुलाब, लाल गुलाब, तो वो उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। मतलब हमारे पास इस फैमिली के जो मोस्टली मेंबर्स हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वुड, जो वुड है हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी वुड जो है वो वॉकिंग स्टिक और वुड के उसके लिए यूज़ की जाती है, वॉकिंग स्टिक्स और डिफरेंट हम ये कह सकते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और जो वुड है पाइल्स पास्टिया की उसको यूज़ किया जाता है टोबैको पाइप्स बनाने के लिए जिसमें लोग स्मोकिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कमर्शियल एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पेटल्स, जो पेटल्स हैं हमारे पास इसकी वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए कमर्शियल लेवल पे और मेडिसिनल वे में इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गुलाब ही ले लें तो गुलाब की जो पेटल्स हैं उनको हम पत्तियां बोलते हैं, ये पेटल्स हैं तो उनको हम क्या करते हैं उनसे गुलकंद या फिर क्या बनाते हैं अरके गुलाब बनाते हैं। जो गुलकंद है वो डिफरेंट रेमेडीज़ के तौर पर यूज़ होता है डिफरेंट डिजीज़ में, और रोज़ आयल जिसको हम अरके गुलाब कहते हैं वो यूज़ होता है परफ्यूम्स में और आई क्यूर्स में इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ जो अरके गुलाब है इसको मतलब फ्रेगरेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो राउंड अबाउट इसके 100 जेनरा हैं और 2000 स्पीशीज़ हैं। तमाम दुनिया में ये पाए जाते हैं, तकरीबन दुनिया के तमाम कोनों में इसका कोई ना कोई मेंबर पाया जाएगा। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इसके राउंड अबाउट 29 जेनरा हैं और 213 स्पीशीज़ जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। कॉमन स्पीशीज़ अगर हम इसकी देखें, दीज आर रोजा इंडिका, रोज़, पायरस मेलस, एप्पल, प्रूनस पर्सिका, पीच एंड फ्रेगेरिया वेस्का, स्ट्रॉबेरी। ऑल ऑफ दीज आर मेंबर ऑफ द फैमिली रोजेसी एंड ऑल ऑफ दीज आर फ्रूट्स विच आर एडिबल बाय ह्यूमंस। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज फैमिली रोजेसी। इसके हमने टोटल जो आज पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आती या कोई डायग्राम समझ नहीं आई तो उसके बारे में आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।